मैं और मेरे अंकल जी बाजार से घर लौट रहे थे, तो हमने देखा बगीचे के सामने दो चार लोग बच्चे थे, वो कॉलेज के रहे होंगे, तो सिगरेट पी रहे थे। अंकल उनके साथ एक लड़की भी थी, वो भी नशा कर रही थी। तो ऐसे ही अंकल जी ने पूछ दिया उनको कि तुम्हें ये नशा क्यों कर रहे हो, मतलब एक तो जान पहचान का भी था, तो बोल दिया उसको। लेकिन वहीं पर लड़की तक बोल दी थी कि हम कर रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम, मतलब हम नशा कर रहे हैं, हमें मचा रहा, आपको क्या करना। उसके बाद हम सीधे निकल गए, तो क्या कह सकते थे, जो किसी की बात सुनना नहीं चाहते, अपने आप में मस्त है, तो उनको आगे क्या कह सकते थे। अच्छा, आप अपने दोस्तों को इस विद्यालय के अपने कुछ ऐसे भी मित्र होंगे जो कभी किसी ने कहा होगा चले चुस्की लेते हैं, कुछ नहीं तो गुटखा ही सही, कुछ नहीं तो कुछ यहाँ नहीं तो कहीं और सही, कहीं और नहीं तो कहीं और सही। अगर वैसे तो मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा कोई होगा नहीं विद्या भारती में, लेकिन फिर भी 21वीं सदी के युवा हैं, भटक सकते हैं, तो ऐसे दोस्तों के लिए, ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप नशा करके किसी और का नहीं केवल अपना बुरा करते हैं, अपने परिवार का बुरा करते हैं। आप नशा करेंगे तो किसी और को कोई हानि नहीं होगी, आप अपने आप को नुकसान करते हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अपना भविष्य बर्बाद करते हैं। जोरदार तालियां हमारे भाई की। तो भाई भाई रावत जी को हम अपनी इस पहल का टीम कैप्टन भी अपॉइंट कर रहे हैं। आप कहीं भी रहें, कहीं भी जाएं, तो निवेदन उम्मीद ये है कि आप हमारे साथ इस मुहिम में आगे जुड़े रहेंगे, जुड़े रहेंगे पक्का, सच्ची मुच्ची वाला। ठीक, तो जोरदार तालियां वंस अगेन।